नमस्कार। एक बड़े ही महत्वपूर्ण बिंदु के लिए अपन वीडियो बना रहे हैं। कुछ विद्यार्थियों के मैसेज और कॉल आ रहे हैं, एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है उनको। जो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आई है, स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी आई है, उसके अंदर जो बायोलॉजी विषय है उसमें कुछ विद्यार्थियों के संशय की स्थिति बनी हुई है। शैक्षणिक योग्यता को लेकर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर कुछ स्थितियां क्लियर नहीं है। कई विद्यार्थियों के फोन आ रहे हैं, सोचा एक वीडियो बना दूं। देखो, पिछली बार की जो भर्ती थी उसके अंदर क्या था कि आप पीजी के समकक्ष हैं, संबंधित विषय में पीजी है प्लस बीएड है, और संबंधित विषय में पीजी के रूप में किन विषयों को माना आरपीएससी ने, या तो एमएससी आप बोटनी से हैं या फिर एमएससी आप जूलॉजी से हैं। पिछली भर्ती के अंदर बायोटेक वालों को नहीं माना था एलिजिबल, और उसका अभी भी केस है, वो चल रहे हैं, पर उन्होंने आरपीएससी ने नहीं माना था। आगे आरपीएससी ने क्या किया, आरपीएससी को क्या कहेंगे, आगे गवर्नमेंट ने क्या किया कि बायोटेक और माइक्रोबायोलॉजी को भी एलिजिबल कर लिया। तो बायोटेक और माइक्रोबायोलॉजी को एलिजिबल करने से अब चार विषय में जो पीजी है वो आपके फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। चार विषयों में से किसी एक विषय में, चार विषयों में किसी एक विषय में जो पीजी है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी का। और ये चार विषय कौन से हैं, या तो उसकी एमएससी किसमें है, जूलॉजी में एमएससी कर रखी है, या उसने कर रखी है बोटनी से एमएससी, या उसने कर रखी है माइक्रोबायोलॉजी से एमएससी, और या जिसने कर रखी है बायोटेक्नोलॉजी से एमएससी। ये चारों के चारों बालक हैं जो एलिजिबल हैं फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म भरने के लिए। पीजी तक की बात तो ये है, लेकिन जैसे ही इन दो विषयों का एलिजिबल किया करने के साथ ही एक बात इसके अंदर ऐड कर दी, जो मैंने जो पहले वीडियो बनाया था राजस्थान शिक्षा नियम सेवा नियम वाला, उसके अंदर भी ये बात सिद्ध थी, पहले क्लियर थी कि ऐसी स्थिति आएगी, क्योंकि वहीं पर क्लियर कर दिया था कि ग्रेजुएशन के अंदर क्या होना चाहिए। तो अब यहां पर देखो, जो वैकेंसी है ना, ऐसा गवर्नमेंट ने क्यों किया है उसके पीछे देखो लॉजिक समझो। आप लॉजिक क्या चीज है कि विद्यार्थी बोलते हैं कि सर और विषयों में तो ऐसा नहीं है, और विषयों में तो ग्रेजुएशन को नहीं माना, और विषयों में तो सीधा आपने पीजी को ले लिया। जैसे मान लो केमिस्ट्री की बात करें तो जिसका एमएससी केमिस्ट्री में है वो एलिजिबल है, बीएससी की कोई बात नहीं हो रही वहां पर। वो इसलिए है क्योंकि एमएससी केमिस्ट्री से पीजी होती है और एमएससी केमिस्ट्री की वैकेंसी है, जबकि इनमें क्या है, वैकेंसी किसकी है, वैकेंसी है बायोलॉजी की, वैकेंसी बायोलॉजी की है और बायोलॉजी में कोई पीजी नहीं होती। वैकेंसी बायोलॉजी की है और बायोलॉजी में कोई पीजी नहीं होती, तो पीजी किस में होती है, या तो बोटनी में होती है या जूलॉजी में होती है। पहले तो दो थे, अब दो और ऐड कर दिए, किस में होती है, माइक्रोबायोलॉजी में है और बायोटेक्नोलॉजी में, इसके संदर्भ में। इसका मतलब अब एमएससी बायोलॉजी से नहीं होती, लेकिन वैकेंसी किसकी है, वैकेंसी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की है। तो वैकेंसी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की है, एमएससी बायोलॉजी में होती नहीं, तो किसको माने, तो चार तो एमएससी वालों को मान लिया कि ये चारों के चारों एमएससी वाले एलिजिबल हैं जिन्होंने पीजी कर रखी है, एमएससी कर रखी है। परंतु एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया यहां पर, और इस प्रश्नवाचक चिन्ह के अंदर कई विद्यार्थी फंस गए हैं। क्या है, आगे क्या रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी, या तो पीजी हो या उसके इक्विवेलेंट हो, यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड किसमें, या तो एमएससी जूलॉजी में, या एमएससी बोटनी में, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में, परंतु प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड, उन्होंने साथ साथ में क्या अध्ययन किया हो, उन्होंने अध्ययन किया हो बोटनी का और जूलॉजी का, इसमें अथवा नहीं है, और जूलॉजी का एट ग्रेजुएशन लेवल। मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास एमएससी जूलॉजी है या आपके पास एमएससी बोटनी है या आपके पास में एमएससी बायोटेक है या आपके पास में एमएससी माइक्रोबायो है, आप चारों ही कंडीशन में एलिजिबल हैं
परंतु इसके साथ साथ में अब यूजी को भी लेना पड़ेगा। इन सभी कंडीशन के अंदर यूजी में आपके बोटनी एंड जूलॉजी होना ही चाहिए। तीसरा सब्जेक्ट है वो कोई सा भी हो सकता है, तीसरा विषय है वो चाहे केमिस्ट्री है आपके, चाहे आपके जियोलॉजी है, चाहे आपके माइक्रोबायोलॉजी है, चाहे बायोटेक्नोलॉजी है, कोई सा ही विषय आपके हो आप एलिजिबल हैं। तो इसे जो नियम है जो भर्ती की विज्ञप्ति निकली है उसमें ये बात साफ साफ क्लियर है कि इन चारों से में से किसी एक में आपके पीजी हो, इन चारों में से किसी एक में आपके पीजी हो साफ साफ सुन लो, और साथ में आपके ग्रेजुएशन लेवल पर, साथ में आपके ग्रेजुएशन लेवल पर जो भी विषय हो पर दो विषय बोटनी और जूलॉजी होना चाहिए तो ये आप फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के लिए एलिजिबल हैं। अब जिन्होंने सिंपल बीएससी कर रखी है और सिंपल बोटनी जूलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक से एमएससी कर रखी है उनके कोई समस्या नहीं है। अदर स्टेट के हैं जहां पर कई जियोलॉजी लेते हैं, फिर कईयों ने माइक्रोबायोलॉजी केमिस्ट्री बोटनी ऐसा कुछ ले रखा है, ऐसी परिस्थिति में जो इन्होंने चेंज किया था ग्रेजुएशन में उनके थोड़ी सी यहां पर समस्या है। अब ये साफ साफ क्लियर है, इस नियमानुसार ऐसा लग रहा है साफ साफ कि वही विद्यार्थी एलिजिबल हैं जिन्होंने एमएससी इन चारों में से किसी एक विषय में करी है और यूजी में उनकी बोटनी और जूलॉजी है, इस नियम का साफ साफ यही मतलब है। अब क्या समाधान हो क्या नहीं हो, कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो या आप अभी कंफ्यूजन में भी होंगे, जो इस चीज से प्रभावित हो रहे हैं वो टोटली कंफ्यूज होंगे, उनकी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही। ऐसे जो भी विद्यार्थी हैं या तो स्थिति क्लियर हो जाएगी, आप नहीं दे रहे एग्जाम और दे रहे एग्जाम, तो फिर क्या क्या आपके साथ में ऑप्शन हो सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे संपर्क करें, मैं टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूं और आप सारे साथ में होंगे तो क्या पता कोई समाधान हो तो हो, वरना नहीं हो तो फिर कोई उपाय नहीं है। धन्यवाद।